2017 साली पश्चिम रेल्वेवर पहिली एसी लोकल धावली होती. आता 5 वर्ष जवळपास झालेली आहेत आणि 5 वर्षानंतर एसी लोकलचं अपडेटेड व्हर्जन जे आहे ते पश्चिम रेल्वेवर आलेलं आहे. महिन्या अखेरीपर्यंत ही एसी लोकल जी आहे जी अपडेटेड आहे ती पश्चिम रेल्वेवरती धावताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. अनेक फीचर्स जे आहेत ते नवीन फीचर्स या एसी लोकलमध्ये आहेत. नेमकी ही एसी लोकल कशी आहे, यामध्ये काय नवनवीन बदल करण्यात आलेले आहे, याविषयी बोलणार आहोत आपल्यासोबत पश्चिम रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकूर आहेत. सर, क्या खास इसमें फीचर्स हैं? देखिए, ये जो एसी लोकल का अपडेटेड वर्जन आप इसको कह सकते हैं, इसको अंडरस्लंग बोलते हैं. ये इज ए टाइप ऑफ अंडरस्लंग एसी लोकल. अंडरस्लंग मतलब क्या हुआ कि जो आपके ऊपर जो कोच है या ड्राइविंग कोच या मोटर्स रहते थे, सारा सिस्टम आप फ्रेम के नीचे आ गया है. इस कारण आपको एंड से एंड कनेक्टिविटी मिल रही है. आप देखेंगे इसमें 12 के 12 डब्बे एक साथ जुड़े हुए हैं. ये पहली बार हुआ है. पहले वाले जो हमारे एसी लोकल थे, नॉन एसी में तो नहीं था, और एसी में भी 6 डब्बे ही जुड़े हुए थे. ये 12 के 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उससे क्या और क्या फ़ायदा हुआ कि हमने नीचे मोटर्स के नंबर भी बढ़ाए हैं, जिस कारण से इस ट्रेन की ड्राइविंग पावर जो होती है वो बढ़ी है. इस कारण से जल्दी से स्पीड पकड़ती है, और इसको स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी होगी फिर इसको जो अपने फुल स्पीड पकड़ने में टाइम कम लगेगा. इससे ट्रेन की ओवरऑल गति में इजाफा होगा, और जो पाथ होता है, जो ट्रेन नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करने का पाथ, वो पाथ हमारे पास नया क्रिएट हो पाएगा. ट्रेन के अंदर की फीचर्स की बात करें तो मैं एक से एक फीचर आपको बताऊँ. सबसे पहले इसकी सीट्स की बात करें तो सीट्स देखिए, इसमें यहाँ पे FRP की सीट्स इसमें प्रोवाइड की गई है. सीट्स जो हमें FRP की सीट प्रोवाइड की गई है, जो कि बेटर क्वालिटी की है. अच्छा, इसके अलावा जब इसके अंदर बात करें तो एक अच्छा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा. यहाँ पर ये देखेंगे आप, तो ये इमरजेंसी टॉक पे यूनिट ऐसा हमने हर एक कोच में लगाया. इमरजेंसी टॉक बैक है, जिस कारण से किसी भी प्रॉब्लम के समय गार्ड या मोटरमैन से बात हो सकती है. ये प्रेस करने के बाद बाहर की तरफ एक LED लाइट भी है, जो भी जलेगी इससे ये भी इंडिकेशन होगा इस कोच से कॉल किया गया है, तो उसको आपातकाल में जो भी है वो दी जा सकती है. विंडो आप देखें, इसको बिल्कुल वाइड पैनल विंडो बनाया गया है. ये लगेज रैक हो गया, ये अलग है, और ये लगेज रैक तो पहले में भी था, ये लगाया गया. अच्छा, हर एक कोच के अंदर आपको CCTV कैमरा देखने को मिलेगा. हर एक कोच के अंदर में CCTV कैमरा लगा दिया है. इसके अलावा ट्रेन के जो मोटरमैन है, मोटरमैन के कोच के अंदर, मोटरमैन के फ्रंट पे और ट्रेन के दोनों तरफ, रेक के दोनों तरफ हमने CCTV कैमरा लगाया है, जिससे कि एक 360 डिग्री व्यू रहे, और किसी भी समय में कोई समस्या आ गया, परेशानी, या कोई हमें डाटा चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हमें इजीली मिल पाए. ट्रेन की आप देखेंगे, जो मैं एक इंपॉर्टेंट फीचर बताऊँ, जैसे बताया मैंने, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड हो गया, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो गई है. इसका एक बहुत और बड़ा फ़ायदा है कि ट्रेन की सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है. 1001 अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 1118 है. तो ये जो कि पुराने जो अपने AC रोके जो अभी चल रहे हैं, इससे जो पहले उससे करीब तकरीबन ये 10% अधिक है. तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी आप देख रहे हैं इंक्रीज हो गई है. सर, दूसरी बात ये है कि इसमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है किसी एक कोच में, क्या कुछ उसका यूज़ होगा उसके बारे में? देखिए, हमारा प्रयास है कि हम लोग एनर्जी सेविंग, ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें. इसलिए इसके अंदर दो फीचर थे. एक तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग की फीचर है कि जब आपके ब्रेक्स लगते हैं उस ब्रेक से पावर प्रोड्यूस होता है, और उससे भी ट्रेन पावर होती है, उससे भी एनर्जी की सेविंग होती है. और ट्रायल के बेसिस पर अपने एक कोच के अंदर ऊपर सोलर पैनल लगाए हैं. वो सोलर पैनल के मदद से उसके अंदर जो लाइट और जो पंखे होते हैं वो चलेंगे. तो ये हमारा ट्रायल बेसिस पे सक्सेस, इसकी सफलता पे हम लोग डिपेंड करता है कि आगे इसको और एक्सपेंड करेंगे. एक कोच में अभी जो कि साउथ एंड से 9वें कोच पे वो लगाया गया है. सर, आने वाले दिनों में ऐसी अपडेटेड वर्जन की जो एसी लोकल है वो और बढ़ेगी संख्या? बिल्कुल, इसको हम लोग और इसको ऐसी अपडेटेड रेक्स को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसी रेक्स आएंगी भी. अभी ये रेक हमारे पास पहली रेक आई है, इसको भी हम लोग ऑपरेट करेंगे सबर्बन सिस्टम में. मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक इसको सर्विस में ले आएंगे. शुक्रिया सर ये पूरी बातचीत करने के लिए. मीडिया जर्नलिस्ट आसिफ सिद्दीकी, सर, देवेंद्र कोलटकर, जी मीडिया, मुंबई. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे